सर से ये गुजारिश है, यहाँ पे आवाम बहुत रहती है और सबके घर ऐसा जो तो सब काम धंधे वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ घर तोड़ेंगे, टू बेडरूम का रूम देंगे, बोले तो इतने छोटे रूम में कैसा रहेंगे, काम चाहिए ही नहीं हमें, वो चाहिए ही नहीं, वो हमें को चाहिए भी नहीं। अगर हमें को कुछ चीज नहीं चाहिए, अगर कोई अंदर गली में है ना, फिर हम लोग उनको मार के पीट के बाहर निकल लेना, उसके जिम्मेदार ना हमारी आवाम रहेंगी ना कोई रहेगा, वो सब जिम्मेदार अदे वाले डिसे रहेंगे। सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि हमको सीट पे बिठाए, उन सीट पे बैठ के नहीं, खाली हम है तो हुकूमत है, हम नहीं है तो हुकूमत नहीं है। लोगों की बदवा ले रहे हैं, इतने लोग हैं, इतने लोगों की बदवा, हमारे तो हुकूमत है, हम हुकूमत से नहीं है। और अरेवरडी सर को हम लोग सीट पे बिठाए, उन्होंने हम आपको सीट पे नहीं बिठाए, और उनको इलेक्शन में वोट दे के बिठाना सबसे बड़ी गलती हमारी आवाम की थी, समझ में आया? उनको जिस तरीके से ऊपर सीढ़ियां चढ़ा के बिठाना, उस तरीके से हम उनको नीचे भी उतार सकते इंशाल्लाह। उसी सही फैसला न लिए तो रेवरेडी सर की धमकी तो भी समझे आवाम की तरफ से, या गुजारिश से भी समझिए। अगर यहाँ फूलबाग चंदूलाल समाधि महाराजा बहादुर किशन प्रसाद, यहाँ पे पूरे मठ बाबा बेरदास जी का गुरुद्वारा है, चर्च है और मस्जिद है, हनुमान मंदिर है, जो सब चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ पर रहने के बाद में यहाँ पे कम से कम 700-800 साल से सब पूरी पब्लिक रही है, यहाँ पे चार जमात के लोग पूरे यहाँ पे मौजूद, सब रहने के बाद में रेवंत रेड्डी के तरफ से ये जो कुछ हाइड्रा बोल जो कुछ करके मार्किंग करके जा रहे, घरा तोड़ दे को आते बोल रहे, पूरी पब्लिक पूरी परेशान है। जब तक केसीआर की गवर्नमेंट थी ये कुछ नहीं हुआ, ये रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट आने की वजह से ये पूरे प्रॉब्लम आ रहे सबको। तो 700-800 साल से सातवीं आठवीं पीढ़ी रनिंग चल रही है अभी। यहाँ पे 150 घर, 150 से 200 घर है यहाँ पे अभी, 150 से 200 घर को मार्किंग करे, मार्किंग करे, मार्किंग करके आ रहे, परेशान कर रहे, तोड़ देते, कोई खाना नहीं खा रहे, कोई सो रहे नहीं, बूढ़े लोग परेशान है, हर कोई बुजुर्ग परेशान है, हर कोई परेशान है यहाँ पर। और इनका नदी का सर्वे सही नहीं है, नदी का सर्वे इन्होंने सही नहीं करे, इनके सफील की जो दीवार है, मीर बहादुर अली वाल सफील की दीवार अंदर है, ये लोग ऊपर की तरफ आके ये लोग बोलते सो पूरा मार्किंग करके जबरदस्ती घरों को तोड़ने के लिए जा रहे, लोग हर किसी को परेशान कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन है, टैक्स पे है, असिस्टेंट है, सब चीज है, रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स पूरे पूरों के पास डॉक्यूमेंट है, असिस्टेंट है, टैक्स में भर रहे, सब कर रहे, पूरा कंप्लीट है पूरों का कनेक्शन है। जबकि गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड नहीं है वो रिकॉर्ड यहाँ जो रह रहे ना उनके पास है, 700-800 पूरा गवर्नमेंट के पास 54 तक ये रिकॉर्ड है। ये बता दो ये निजाम का है, ये निजाम का, निजाम से मिला सर, निजाम से मिला सर, ये उसके बाद में आप सर्वे करके आप पूरी पब्लिक पूरा सर्वे गलत है उनका, जो पुराना हुआ यहाँ पर वो देखो बोलो, उनको नहीं हुए अभी कोर्ट को रुजू होने वाले हम, इंशाल्लाह कोर्ट से भी रुजू होंगे, कोर्ट को रुजू होने वाले अभी हम। एमएलए साहब से बात करें, उन्होंने बोल रहे हैं अभी कुछ होने वाला नहीं है, उन्होंने कुछ होने वाला नहीं है बल्कि बताया उन्होंने, अभी के बाद जो भी है देखेंगे, फिर उसके बाद सर्वे के लिए एमएलए लिया यहां पे, आए थे, आए आके गए, उन्होंने आके गए दौरा, क्या कहना है आपने? एमएलए साहब बोल रहे मार्किंग करने दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं टूटता बोलते बोले उन्होंने, अब हम होता कुछ होगा तो मांगिए बोलते बोले है ना, आवाम जो चाह रही के अपने घरों की सेफ्टी करना चाहिए, वो हिसाब से जो है ना पब्लिक रोडों पे निकली है तोड़ के डबल, आहिस्ता आहिस्ता तेलंगाना की सारी आवाम रोडों पे रहने वाली है, को लगे नहीं है हम, लेवल पे हम रेवंत रेड्डी साहब को वही बोल रहे हैं, अच्छे सीएम बनो बोल रहे, सही काम करो बोलो, आवाम को तकलीफ मत दो बोल रहे, बस गरीबों को तकलीफ मत करो, किसी घर मत तोड़ो, डबल डबल बेडरूम देते करते रेवंत रेड्डी रहा वहाँ जाके तो बेहतर रहता, हमारे घरों तक आए तो फिर बात गलत रहती। सही है।